अपने जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी लड़के को देखने कोई लड़की आ रही है। अरे राहुल, जब तुमको पता था कोई लड़की तुमको देखने आ रही है तो कम से कम दाढ़ी वाड़ी तो बनवा लेते, शेविंग करा लेते, अच्छा सा चेहरा हो जाता तुम्हारा। मोदी जी, मुझे पहले से नहीं पता था कि कोई लड़की देखने आ रही है। वो तो मम्मी एकाएक बताई कि आज एक लड़की तुमको देखने आ रही है, थोड़ा नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ ताकि थोड़ा सुंदर लगो, इसीलिए अभी नहा के और क्रीम उरीम लगा के बैठा हूँ। देखो सुंदर लग रहा हूँ ना मैं? राहुल, सुंदर तो तुम इतने लग रहे हो जैसे गधे का मुंह। यार तुम्हारे चेहरे पे इतनी दाढ़ी है कि कोई भी लड़की देखेगी तो तुमको रिजेक्ट कर देगी। यार कम से कम दाढ़ी उढ़ी बनवा लेते तो थोड़ा अच्छा लगते। क्यों अखिलेश, सही कह रहा हूँ ना मैं? मोदी जी, तुम जितनी राहुल की बुराई कर रहे हो यार, उतने गंदे तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ थोड़े गंदे दिख रहे हैं, पर इतने ज़्यादा गंदे नहीं दिख रहे हैं कि कोई लड़की इनको रिजेक्ट कर दे। मेरे हिसाब से तो सही है, पर थोड़ी दाढ़ी लंबी हो गई, थोड़ी दाढ़ी छोटी कर लेनी थी इनको। अरे तुम लोग दाढ़ी में कहाँ अटक गए यार, दाढ़ी की बात छोड़ो। एक चीज़ मैं बताऊँ, जब लड़की आएगी तो मेरे बारे में तुम लोग तारीफ करना, कहीं मेरी बुराई करना शुरू कर दो और लड़की मुझे रिजेक्ट करके चली आए। वैसे एक चीज़ बताओ राहुल, तुम्हारी तारीफ में बोलना क्या है? यही बोल दूंगा ना कि लड़का दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है और कभी कभी जो है चरस भी पी लेता है। अखिलेश यार, तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो, लेकिन तुम तो मेरी बुराई करे जा रहे हो। अरे भैया, मैंने तारीफ करने के लिए बोला है, बुराई करने के लिए नहीं बोला है। तुम लड़की से बोलना लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कमाता खाता अच्छा खासा है। अच्छा अच्छा बोल दूंगा, अब ज्यादा भाव मत खाओ। देखो लड़की आ रही है, तुम सीधे बैठ जाओ एकदम तरीके से। ये बताओ, मैं यहाँ पे लड़का देखने आई हूँ, यहाँ पे लड़का कौन है जो मुझसे शादी करेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ? दीदी, लड़का तो मैं ही हूँ जिसको तुम देखने आई हूँ, मुझसे ही तुम्हारी शादी होनी है। देख लो मैं कैसा लग रहा हूँ तुमको। अरे तुमको मुझसे शादी करने और तुम मुझे दीदी बोल रहे हो, फिर कैसे होगी हमारी और तुम्हारी शादी? और एक चीज ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पे इतनी सारी दाढ़ी है, कभी नहाए वहाए हो, कभी दाढ़ी उड़ी बनवाते हो कि नहीं बनवाते हो? अरे मैडम जी, तुम दाढ़ी लेके कहाँ फंस गई? दाढ़ी तो कभी भी बनवाई जा सकती है। बस ये बताओ लड़का तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है? वैसे लड़का अच्छा खासा कमाता खाता है। मुझे इस लड़के से तो ज्यादा ये लाल टोपी वाला लड़का लग रहा है, देखो कितना चिकना है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसी से शादी कर लूँ, अगर जो ये तैयार हो तो मैं आज के आज और अभी के अभी यहीं पे फेरे ले लूँ इसके साथ। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। भाई मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरे पास बीबी भी है, मैं शादी नहीं कर सकता। तुमको शादी करना है तो इसी लड़के से करो, नहीं तो दूसरा लड़का ढूंढ लो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।